माननीय सदस्यगण, सभी का नमस्कार। इस नए सदन भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज की अमृतकाल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपराओं के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। इसी कालखंड में आजादी के 75 वर्षों का उत्सव अमृत महोत्सव भी संपन्न हुआ है। इस दौरान देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75 साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। 2 लाख से ज्यादा शिला फलकम स्थापित किए गए। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने 5 प्राणों की शपथ ली। 70,000 से ज्यादा अमृत सरोवर बने। 2 लाख से ज्यादा अमृत वाटिकाओं का निर्माण हुआ। 2 करोड़ से ज्यादा पेड़ पौधे लगाया गया। 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगा के साथ सेल्फी अपलोड की। अमृत उत्सव के दौरान ही कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। राजधानी दिल्ली में देश के अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों की समर्पित म्यूजियम खोला गया। शांति निकेतन और होयबोला मंदिर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुई। साहेब जादव की याद में बीरवाल दिवस घोषित हुआ। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया। विभाजन की विभीषिका को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया गया। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।